हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो दोस्तों, हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। बार बार जिसका स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि सर व्हाट अबाउट दी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, एक बार क्लैरिटी बताइए और सिलेबस डिस्कस कीजिए, स्ट्रेटजी डिस्कस कीजिए, तो वही सब बात हम इस वीडियो में करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम डेट 2021 क्या होने वाली है। एग्ज़ाम डेट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ क्या होने वाली है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है 2-3 मंथ्स कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसी हमारी बात हो रही है तो पॉसिबिलिटी कब है, या तो अगस्त के एंड में होने की, या फिर है सितंबर ऑनवर्ड्स, या जो उसके बाद पॉसिबिलिटी है आफ्टर सीएससी। क्योंकि मेरी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी तो मैं उनसे जानना चाह रहा था कि सर क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए अभी 2-3 मंथ्स कोई योजना नहीं है, यानी अब मोस्ट प्रोबेबल मान के चलिए सेप्टेम्बर मंथ एक क्रूशल मंथ है। हो सकता है सेप्टेम्बर मंथ में, जो 12th of September है हमारी डेट, इसमें हो जाए, जो पहले से रिवाइज एक रिजर्व डेट होती है कैलेंडर में, या तो इसमें हो जाए या कोई रैंडम डेट में हो जाए। उसके अलावा जो चांसेस हैं वो अक्टूबर के बाद के चांसेस हैं, अगर सितंबर में नहीं हो पाती है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने उनसे एक चीज़ और जाननी चाहिए कि सर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि 2022 में एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाए, क्या ईपीएफओ ऐसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी संभावना तो बहुत कम है, लेकिन ऐसी 20-30% चांसेस ज़रूर हैं कि इस साल यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो भी ना। तो ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है, अगर इस साल हो भी नहीं पा रहा है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है अगर 2022 में जाएगा तो। लेकिन देखिए, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट देने के लिए हम हैं। तो यही सब बातें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि देखिए अभी क्या है, वैक्सीनेशन चल रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराने अभी पेन पेपर मोड वालों में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद कुछ एजेंसीज़ ये भी सोच रही हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा 18+ का, तो उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और कोविड की जो वेव है अभी, देखिए तमिलनाडु में, बंगाल में 15-20 जून तक एक तरीके से कोविड अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, वो शायद एक्सटेंड भी हो जाए कई राज्य में, तो जून में पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद 15 डेज़ प्रायर नोटिस भी देना है, तो अभी श्योर नहीं है। हालांकि मैंने उनसे एक चीज़ और जाननी चाहिए कि क्या सर यूपीएससी रिवाइज कैलेंडर रिलीज़ करेगा। तो उन्होंने कहा ज़रूर यूपीएससी एक रिवाइज कैलेंडर रिलीज़ करेगा, और वो कब करेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी देखिए जून में, जब है जब हर एक स्टेट में से लॉकडाउन हट जाए, यानी ये कब जारी होगा, जब लॉकडाउन कहीं पर भी नहीं होगा, तो इससे ईपीएफओ को क्लैरिटी मिल जाएगी एग्ज़ाम डेट शेड्यूल करने की। तो अब देखिए हमने क्या, अब हमें इन्फॉर्मेशन पता लगी कैलेंडर कब आएगा, जब कहीं लॉकडाउन नहीं होगा। डेट्स पॉसिबल, पॉसिबिलिटी क्या है डेट्स की, ईपीएफओ की एग्ज़ाम डेट की पॉसिबिलिटी क्या है, तो वो भी हमारे सामने आ गई। क्या सामने आ गया कि सेप्टेम्बर में है या अक्टूबर में 10 के बाद, लेकिन 20% चांस ऐसी भी हैं जब ये 2022 में शेड्यूल हो, 20-30%। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो बस आप कहीं फोकस मत डालिए, अपने फोकस को प्रिपरेशन पर ही रखिए। प्रिपरेशन ही आपको रास्ता दिलाएगी, उसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं है। प्रिपरेशन करते दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी तैयारी को बेटर से बेटर बनाते हुए चलें, क्योंकि एग्ज़ाम टफ है। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया है, तो आप मान कर चलिए अगर आप 60% अबव स्कोर करते हैं तभी आप रेस में हो, उससे नीचे आप रेस में नहीं बन पाएंगे। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलिए। और एक और ज़रूरी बात जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ कि देखिए, हमारा चैनल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है। हालांकि हम 2-3 डेज से करने वाले थे, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है
कभी कोई कहता है लेबर लॉस, कभी कोई कहता है इंग्लिश वोकैब। तो देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस, जो एक टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, स्टार्ट करें पहले, वेटेज ज़्यादा है, या इंग्लिश में वोकैब स्टार्ट करें? ये दो चीज़ हैं। अब देखिए इंग्लिश वोकैब का कितना होने वाला है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो 20 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं इंग्लिश के। और लेबर लॉज में और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी अराउंड आपके 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हम पहले किसको स्टार्ट करें, या अगर दोनों को स्टार्ट करें तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि तो हमें आपकी राय की भी ज़रूरत है। और हम इसको सोच रहे हैं 10th of June से 11th of June से इसको स्टार्ट कर दें, इस क्रैश कोर्स को। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें कौन से स्टार्ट करें। और इसके अलावा देखिए, जो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पर कोई इफेक्ट मत आने दीजिए, जैसे कर रहे थे ऐसे ही करते रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बूस्ट अप करते रहिए। अपडेट देने के लिए हम बैठे हैं, 100% ट्रू अपडेट होती है, ऑथेंटिक होती है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।